My name is Sarvi and you're watching me on Telegram. Hey guys, press the bell icon on YouTube app and never miss another update with Telegram. Hi Sarvi, welcome to Telegram. Hi. So, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे शो के बारे में कैसे चल रहा है, क्या ट्रैक चल रहा है, क्या कुछ और ट्रैक्स आने वाले हैं? अभी तो ट्रैक में काफ़ी चेंजेस आए हैं हमारे, मतलब माता लक्ष्मी के ऊपर चल रहा है अभी तो मेन, तो अभी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे गरुड़ में। आप मायथो शो की अगर बात करें तो कितने ओपन हो मायथो शो के लिए और क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं मायथो के लिए? मायथो शो में बहुत चैलेंजेस होते हैं एक्चुअली नॉर्मल फ्रिक्शन शो से, काफ़ी डिक्शन पे बहुत काम करना पड़ता है आपको, बिकॉज प्रॉपरली मतलब प्योर हिंदी में आपको बोलना पड़ता है, तो दैट इज़ रियली टफ। एंड नॉर्मल हिंदी जैसे हम बोलते हैं उसमें तो हम थोड़ा सा भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बट मायथो में नहीं कर सकते हैं। एंड अब इफ आई टॉक अबाउट द गेटअप इज़ रियली हैवी, तो आपको बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है एक साथ। So, आपके कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या चीज़ है? जब मेरी पूरी बॉडी को पेंट किया जाता था, दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग। एंड क्योंकि बींग एन एक्टर हमें अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो जब कुछ ऐसी कलर्स आपके फेस पे लगाए जाते हैं या बॉडी पे लगाए जाते हैं, तो बीइंग एन एक्टर हम बहुत मतलब डर जाते हैं कि यार कुछ हो ना जाए। तो मेरे कैरेक्टर के लिए मैं थोड़ा सा मतलब वरिड भी थी, बट आई वाज हैप्पी सबसे ज़्यादा तो, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से काली माँ का रूप कुछ करना था एंड आई फाइनली गॉट इट एंड मुझे बहुत पसंद आया वो करना। ओके, शो के अलावा कि अगर मैं बात करूं, यू नो अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, क्या कुछ यू नो स्ट्रगल फेस करना पड़ता है अगर कोविड के बाद की मैं बात करूं, तो क्या कुछ आपने स्ट्रगल फेस किया है और क्या नया इंडस्ट्री में आपने चेंज देखा है? स्पेशली कोविड की वजह से तो कोई चैलेंज नहीं आए हैं, जस्ट थोड़ा सा चेंज आया है कि पहले हम ऑडिशंस के लिए हमें जैसे प्रोडक्शन हाउस बुलाया जाता था, तो नाउ डेज इट्स लाइक आपको घर से रिकॉर्ड करके देना है, एंड अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो तो देन दे कॉल यू मतलब सेट पे या प्रोडक्शन हाउस में फॉर द लुक टेस्ट। तो ऐसा कोई चैलेंज मैंने कोविड की वजह से तो फेस नहीं किया, बट हाँ कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुत फेस किया है। मतलब स्टिल मतलब आज की डेट में भी लोगों की मेंटालिटी ये है कि बींग डस्की इज़ नॉट गुड, मतलब फेयर इज़ ब्यूटिफुल, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है एंड आई डोंट नो कि वो सोच उनकी कब निकलेगी। मतलब जिसको देखो वो ये बोलता है कि डस्की कॉम्प्लेक्शन इज़ द बेस्ट कॉम्प्लेक्शन फॉर कैमरा, बट इन मतलब इन रियल लाइफ दे डोंट प्रेफर एक्चुअली। हाँ बट जैसे कोविड के टाइम पे OTT ने काफ़ी हाइप लिया था, तो इस वजह से काफ़ी लोगों के लिए रास्ते बहुत ओपन हुए हैं, तो आई एम हैप्पी कि अब काफ़ी डेली सोप्स ऐसे आ रहे हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें डस्की मतलब मेल फीमेल आप किसी को भी ले लो उनको लिया जाता है, प्रेफर किया जाता है एंड मेनली उनके ऊपर स्टोरी बनाई जा रही है। तो आई रियली लव कि चलो कहीं तो थोड़ा बहुत चेंज है, बट स्टिल वो फेयर इज़ ब्यूटीफुल वाली जो सोच है वो अभी भी है एंड आई स्टिल फेस दैट। एवरीथिंग मतलब मैं किसी एक चीज़ को नहीं बोल सकती, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल, मतलब द को एक्टर्स एंड एवरीथिंग, मैं किसी एक चीज़ को बोल ही नहीं सकती हूँ, एवरीथिंग इज़ रियली नाइस एंड मेरे को वहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा लगता है कि सब बहुत पॉजिटिवली काम करते हैं, मतलब वो स्टार वाला फील कोई ऐसा शो नहीं करता है सेट पर, दैट्स द बेस्ट थिंग। आपके कैरेक्टर की अगर बात करें तो क्या कुछ आप अपने खुद के कैरेक्टर से यू नो सीखती हो या सीखा है अब तक का? डेडिकेशन अपने कैरेक्टर से एंड बिकॉज मेरा कैरेक्टर बहुत लाउड है, बींग काली इट हैज़ टू बी वेरी लाउड, तो आपको एंड लाउड मतलब अगर एक कैमरे के हिसाब से आपको कैसे लाउड करना है, दैट्स द चैलेंज, क्योंकि कैमरा आपकी एक छोटी हरकत को कैप्चर करता है, तो उस हिसाब से लाउड होते हुए भी आपको बहुत काम मतलब आपको बहुत चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एंड आई एम हैप्पी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है सेट से। जैसे आपने कहा यू नो ये काली का जो कैरेक्टर है बहुत ही ज्यादा लाउड है, आपने इनके बारे में स्टडी की जब यू नो अप्रोच किया गया था, आपको बताया गया था कि आपका ये कैरेक्टर है, तो क्या कुछ स्टडी की आपने और कितना यू नो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को संभालना पड़ता है, क्या कुछ ध्यान देना पड़ता है? अगर मैं इसके बारे में स्टडी भी करने जाऊँ तो आई डोंट थिंक कि मुझे एग्जैक्ट गूगल से कुछ मिलेगा, तो इट वॉज ऑल अबाउट कि मुझे कैसा परफॉर्म करना है, क्योंकि एक भगवान के बारे में आप क्या ही है, सब अलग अलग बोलते हैं, सबका अपना अलग अलग सोच है, तो कहीं पे कुछ स्टडी करके तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। हाँ मैंने जो उनका गेटअप था वो ज़रूर मैंने सर्च किया कि कैसा गेटअप है एंड हाउ एग्रेसिव शी इज़ बाय फेस, मतलब इट्स ऑल अबाउट फेस, बीइंग एन एक्टर आपको अपने फेस से सारी चीज़ें एक्सप्रेस करनी पड़ती है,
तो दैट वे मैंने थोड़ा सा सर्च किया था कि कैसा है उनका कैरेक्टर, हाउ इट्स गोइंग टू लुक, इन सब चीज़ों पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया था.